नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। मैं प्रिया वर्मा। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दानवी ने नालंदा के हिलसा में मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्तागण शामिल हुए, जिन्हें उन्होंने इस पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बिहार की शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि एक शिक्षा मंत्री के मुख से किसी भी धर्म ग्रंथ का पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। राजू दानवी ने कहा कि हमारा देश विविधता में एकता का देश है, यहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग हैं। ऐसे में हर किसी के धर्म और उनके ग्रंथ का उतना ही महत्व है। आगे उन्होंने कहा कि सबके आराध्या देव भी अलग अलग है। कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई नानक को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई पैगंबर साहब को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है। ऐसे में किसी भी धर्म और उसकी सोच पर टिप्पणी करना अभद्रता है और एक राज्य की शिक्षा मंत्री के रूप में ऐसे बयान अनुचित है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का बयान काफी मायने रखता है और उनके बयान से काफी लोग प्रभावित होते हैं। उन्हें ऐसे बयानों से बचकर सार्थक शिक्षा को लेकर बातचीत करनी चाहिए। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर, इस पावन पर्व के अवसर पर यहाँ भोज का आयोजन किया गया था कार्यकर्ताओं के बीच में, साथ में जो हमारे हिलसा विधानसभा वासी हैं समेत पूरे नालंदा से जितने भी पार्टी के साथी थे सभी लोग आए हैं। उसके साथ ही लगभग हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए, सभी को हमने इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है और साथ में सैकड़ों लोग हमारे पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं दर्जनों। मैं उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो आज प्रदेश में एक मुद्दा बन चुका है, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री के मुख से रामचरितमानस पर गलत टिप्पणी देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, ग्रंथ अलग अलग हैं और किसी भी धर्म और ग्रंथ पर टिप्पणी करना भी शिक्षा मंत्री को ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि हमारे राज्य में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग किताबें हैं। आप किसी खास धर्म के बारे में टिप्पणी कीजिएगा वो शिक्षा मंत्री होते हुए, तो इसका हम लोग भी विरोध करते हैं, शोभनीय बात नहीं है वो भी शिक्षा मंत्री के मुंह से, क्योंकि कोई राम को भजता है, कोई कृष्ण अच्छे हैं, कोई बुद्ध के हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई पैगंबर साहब को मानते हैं, कोई नानक को मानते हैं और सबका ग्रंथ अलग अलग है। तो जितना अपना इष्ट देव आराध्य देव अपना है, ग्रंथ अपना है, उसी प्रकार हम दूसरे को भी उतना ही अच्छा माने, किसी पर टिप्पणी ना दें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इस बयान से सहमत नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आए दिन शिक्षा मंत्री को ऐसे बयान से बचना चाहिए, उनको बच्चों की ज्ञान के बारे में बात करनी चाहिए कि ज्ञान को और कैसे दुरुस्त किया जाए, यहाँ की पढ़ाई शिक्षा को और कैसे मजबूत किया जाए, ताकि जो यहाँ से जो बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं वो ना करे और यहीं पढ़े और यहीं पर वो कुछ ना कुछ बने। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे नेशन 24 न्यूज के साथ। मैं प्रिया वर्मा, नमस्कार।